-rajim. hello viewers, uh, we are to share about self-management uh, skills. it's uh, core skills. and uh, importantly, we are talking attention to detail. what it is? we are to make enable a child that what the detail एंड द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए टास्क इज एंड हाउ वी टू सी एंड उस काम के अंदर बच्चा अपने आप को किस तरह से आ, उसके कॉम्पोनेंट को चेक करे उसके जो आ, उसके हिस्से हैं उसमें उसको कैसे आ, उसकी चंकिंग करे उसके अंदर रिलेशनशिप किस तरह से जो बनता है जो ब्रिजिंग हुई है वो किस तरह से उसको रिकोगनाइज करे कि कौन सा कंपोनेंट मैंने पहले मुकम्मल कर लेना है और फिर मैंने उसको मॉनिटर करना है तो हम इस काबिल उसको बनाते हैं कि वो अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर ले और आ, फिर यह है कि वो अपनी कुछ एरर्स को करेक्ट करे और कुछ ऐसे स्पार्ट्स हैं जिसको हमने हाईलाइट करके उसे बताना है कि हेयर यू कैन स्टॉप एंड यू कैन सी एंड यू कैन प्रोग्रेस एंड चेक एडवांस परफॉर्मेंस uh, 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 उसमें अपनी वीकनेसेस को किस तरह से इम्प्रूव करना है ये भी हम उसे सिखाते हैं और उसमें सिखाने के लिए मसला हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग एरर्स छोटी छोटी जो एरर वो वाक्य हो रही हैं उसमें वो किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकता है डिटेल में हम उसको ले जाएंगे और छोटी छोटी बातें उसको बताएंगे और इसी तरह एंड रिजल्ट यानी वट इज एंड रिजल्ट वट इज परफॉर्मेंस एट द एंड लेवल के उसमें उसने कितना अपने आप को बेहतर बनाया और ये देखना है कि जो टास्क इन हैंड है यानी एट द स्पॉट एट द स्टेज टू थ्री फोर ऑन एवरी एंड ईच स्टेज हमने उसकी डिटेल को मॉनिटर करने के लिए उसको इस काबिल बनाना है तो उसको वो देख सके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके या उसका कंपैरिजन बाकी स्टेजेस के साथ कर सके उसे हमने एक्यूरेसी की तरफ लाना है उसे हमने यानी वर्किंग प्रोडक्टिविटी की तरफ लाना है कि वो प्रोग्रेस को बेहतर करे और अपने टास्क को चलाए और कंपैरिजन भी करे और इसी तरह कंसिस्टेंटली बिकम टू वर्ड्स हाई क्वालिटी टास्क सिर्फ टास्क कंप्लीशन इज नॉट अनफ इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी क्वालिटी को भी मद्देनजर रखे और जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो सरफ नज़र कर देता है या उसकी नजर में नहीं आती तो हम उसकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाते और इसके साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ग्रेड्स को भी अटेंड करे सारा वक्त उसके टास्क की इम्प्रूवमेंट उसकी क्वालिटी प्रोडक्टिविटी की तरफ अगर लगेगा उसके ग्रेड मुतासर हो सकते हैं तो टाइम को हमने मैनेज करना है टू मेंटेन द ग्रेड अटेनमेंट एक्यूरेटली और उसमें ग्रेड भी बेहतर आने चाहिए और इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ द चाइल्ड इज परफॉर्मिंग वेरी वेल और वेल परफॉर्मेंस इज एंड प्रोडक्ट और उसको हमने आ, टेस्ट भी देना है उसको एग्ज़ामिनेशन ऑब्जर्वेशन करने के काबिल बनाना है और उसको हमने एक ए, टास्क जो उसके सामने है जिसको उसने मुकम्मल करना है उसकी आउटलाइन के तौर पर उसे एक कोर्स वर्क भी उसे देना है और इसमें ए, अगर सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो हम ये देखें कि ऐसे टास्क के अंदर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है अगर उसने एक ऐसे लिखना है उसको देखना है उसको पढ़ना है तो उसमें किन किन चीज़ों को उसने देखना है उसने उसके टाइटल को देखना है उसने उसकी पाड़ी को देखना है उसमें उसमें स्पेलिंग्स उसमें सेंटेंसेस, उसमें बाकी पंक्चुएशंस, बहुत सारी चीज़ें जो स्मार्टली हम उसको देख सकते हैं और इसी तरह आ, मैथ के अंदर किस चीज़ की अहमियत है जिसको उसने देखना है लॉजिक वॉट द लॉजिक बाट द बेसिक मैथ इज ईज टू अटेन वो असल बात जो उसको आ जानी चाहिए वो उसको हासिल हो रही है उस पर उसकी दस्तरस है इट्स ओके इट्स गुड जवाब गलत होना कोई ऐसी बात नहीं लेकिन यह है कि उसके अंदर जो प्रोसेस है उसको समझना और उसको अटैम्प्ट करना ये बड़ा जरूरी है इसमें आ, हम उसको एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाते हैं हम उसको टेस्ट की तरफ ले जाते हैं कि वो अपनी ही उन बातों को असेस करें उसको टेस्ट करेगा वो असेस करेगा और रिजल्ट्स उसके सामने आएगा थैंक यू वेरी मच